सर आजकल क्या इवेंट चल रहा है? गुड इवनिंग, मेरा नाम सुजीत पंजाबी है और आज हम जो शूट कर रहे हैं वो है, पीछे का नाम है हम है रंगीले। ये एक्चुअली बेसिकली बच्चों के ऊपर बेस्ड है। बच्चों के ऊपर मतलब जो आजकल जैसे आपने देखा होगा समाज में बच्चों को किडनैप किया जाता है, बच्चों को किडनैप करके उनको भिखारी बना दिया जाता है या उनको किडनैप करके उनकी किडनीज वगैरह निकाली जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल काफ़ी दिल्ली में या फिर यूपी साइड में, बिहार वगैरह वो साइड में ये चीज़ें होती है। बॉम्बे में ज़्यादा नहीं होता है लेकिन वहाँ पे ये सब चीज़ें होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक मूवी बनाई, सच्चाई को दिखा रहे हैं हम कि ये जो चीज़ें हो रही है इसे अगर हम और आप मिलकर चाहें तो इसे रोका जा सकता है, ऐसी चीज़ों को, ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है। और इसमें एक्चुअली डेफिनेटली पुलिस वगैरह का, मंत्रियों का, पॉलिटिक्स का, हर चीज़ का हमें साथ चाहिए, इसके बगैर तो ये काम हो नहीं सकता है। तो वैसी एक बेस कहानी है कि बच्चों को कुछ अलग अलग स्कूल में से या अलग अलग पिकनिक में से जहाँ पे उनको बच्चे मिलते हैं अच्छे, जो पैसे वाले घर के होते हैं, पैसे टाइप के जो बच्चे मिलते हैं उनको पूरा किडनैप किया जाता है और किडनैप करने के बाद में उनको फिर एक जगह पे लेके जाया जाता है, फिर वहाँ से उनका डीलिंग होता है। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे, जैसे एक किस्म का मार्केट लगता है वहाँ पे सर, और मार्केट में बच्चों की बोली लगती है कि ये बच्चा इतने में जाएगा, थोड़ा गोरा बच्चा है तो इतने में जाएगा, उससे अगर थोड़ा सांवला बच्चा है तो इतने में जाएगा, इन सब का रेट्स लगता है। और कुछ अच्छे अच्छे जो बच्चे रहते हैं उनको भिखारी बना दिया जाता है, उनको बेच दिया जाता है। जैसे आजकल आपने देखा होगा कि फॉरेनर्स वगैरह आते हैं, उनके साथ सेक्स पैकेट वगैरह जो होता है, ये सब चीज़ें ये फिल्म में है। मतलब देखा जाए कि सच्चाई को हमने रूबरू करने की कोशिश की है। इसलिए सर इस तरह की कहानी तो पहले भी देख चुकी है, कई कई फिल्म आ चुकी है, कई फिल्में आ चुकी है, लेकिन शायद किडनीज वगैरह का शायद आपने कहानियाँ नहीं सुना होगा सर। जैसे आपने देखा कि आजकल लेटेस्ट इशू है, अभी थोड़े दिन पहले अगर आपने न्यूज़पेपर में, जैसे दिल्ली वगैरह में केसेस हुआ था कि छोटे छोटे बच्चों की किडनी निकाल दी या एक अच्छे खासा आदमी का किडनी निकाल दिया, जब वो ऑपरेशन हुआ उसका, तो जब उसका ऑपरेशन खत्म हुआ, जब उसने बाद में चेकिंग कराया तो उसकी किडनी गायब थी। तो किडनी में जिसका भी काफ़ी अभी केसेस चल रहा है, और ऐसे जैसे थोड़ा पहले भी काफ़ी पिक्चर आई है, लेकिन ये जो थोड़ा कहानी हटकर है सर, जैसे हमने इसको देखा है कि काफ़ी गोरे बच्चे भी हैं जिनको फॉरेनर्स खास करके उनको खरीदते हैं सर, और खरीद के उनको फिर घर पे लेके जाके काम पे लगाते हैं, फिर उनके साथ कुछ गलत वलत जो भी होता है वो सब उसके अंदर दिखाया। आज क्या सीन हो रहा है यहाँ पर? आज ये जो सीन हो रहा था ये दिखा रहे थे कि एक जगह पे जाके उनको एक झोपड़पट्टी के अंदर जाके वो बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ है सर। और रखने के बाद में फिर उनको बताया जा रहा है कि तुमको भीख मांगना है। बच्चे बहुत कोशिश कर रहे हैं कि रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो सोच रहे हैं कि, बोल रहे हैं कि हमें ये सब चीज़ें करनी नहीं, हम ये सब चीज़ें करने के लिए यहाँ पे नहीं आए। बड़े दो कुछ बच्चे, छोटे बच्चे हैं तो खाली रो ही रहते हैं। लेकिन टारगेट यही था कि दिखाया गया है कि वो बच्चे मान नहीं रहे, फिर भी इनको ज़बरदस्ती बनाया जा रहा है कि आप लोग भीख मांगो, और भीख मांगने के बाद में आप ये सब चीज़ें करो जो जो चीज़ें उनको चाहिए। सर अभी तो इतनी अच्छी कहानी है आपके पास, लेकिन आर्टिस्ट कहने तो आर्टिस्ट सर आर्टिस्ट मैं समझता हूँ थोड़े नए हैं, लेकिन फिर भी एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है सर। सब्जेक्ट जब आप ये थिएटर में देखेंगे जैसे इसको, तो डेफिनेटली आपको स्टोरी बहुत अच्छा लगेगा, एंड इसकी जो गाने हैं गाने भी बहुत अच्छे हैं सर। चार से पाँच गाने, म्यूजिक की बात करें तो म्यूजिक करके हैं, चार से पाँच गाने हैं इसके अंदर सर, एंड म्यूजिक डायरेक्टर हैं जितेंद्र कर, जिन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे गाने अभी कर रहे हैं सर। आपको इंस्पिरेशन किससे मिली, मतलब ये इस तरह की स्टोरी को लिखने के लिए? न्यूज़ वगैरह जैसे देखते रहते हैं आप लोग की तरफ से ही, जैसे न्यूज़ वगैरह सब चलता रहता है तो देखते रहते हैं, एंड उससे भी पता चलता है कि कुछ ये चीज़ें नहीं हुई तो उसके ऊपर एक स्टोरी बनाने का हम लोग का ख्याल आया डायरेक्टर जी का, अजीत शर्मा जी का। तो उस पर बच्चे हम लोग ने डिस्कशन किया, फिर सोचा कि कुछ बच्चों के ऊपर एक टारगेट किया जाए, यानी एक अच्छी कहानी दिखाई जाए, लोगों को कुछ मैसेज मिल सकता है, तो शायद हमें अच्छा लगेगा सर। कितनी फिल्म कम्प्लीट हो चुकी है सर? ये अभी दो दिन का पिक्चर भी कम्प्लीट होने की शुरुआत ही है, लेकिन अभी अलग अलग लोकेशन, जैसे फिल्म सिटी में करेंगे इसको हम, थोड़ा आउटडोर भी शूट हैं बॉम्बे के अलग अलग लोकेशन पे हैं, काफ़ी बंगलो वगैरह में हम लोग शूट करें, और घर का भी कुछ चीज हो जाए, कुछ नायका वगैरह में शूट करेंगे, पहाड़ी वाड़ी का देखेंगे। सर दर्शकों को कब तक देखने को मिल सकता है? छः महीने के अंदर ही रेडी हो जाएगा। एक और पिक्चर हम लोग का है जिसका नाम है डेंजरस रात, तो अभी मैं समझता हूँ कि सितंबर में उसको रिलीज करने वाले हैं हम। वो कंप्लीट है, एडिटिंग उसका कंप्लीट हो चुका है, वो एक थोड़ा सस्पेंस पिक्चर है, पर ये थोड़ा हटके सब्जेक्ट है। मैं यही कहूँगा कि अपने जिनके माँ बाप हैं, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके घर पे, उनको ये पिक्चर देखना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो लोग जब ये पिक्चर देखेंगे तो उन्हें कुछ ना कुछ मैसेज मिलेगा इसमें से, ये पता चलेगा कि बच्चों का अगर ध्यान दिया जाए तो ये सब घटनाओं को हम रोक सकते हैं। थैंक यू सर।
उसके जैसे सप्लाई बाई का जो मैंने बताया लास्ट उसको कैंसिल कर दिया, उनके बारे में थोड़ा कौन बोलेगा मुस्लिम में क्या कर रहे हैं कर रहे बताओ बताओ क्या करते हैं बोलते हैं चलिए आप बताइए पहले क्या कर रहे हैं क्या काम कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं तुम्हें शुरू करते फिल्म में एक्टिंग करते हैं हाँ तुम्हारे रोल में क्या हम भी मामा ना हाँ काम कर रहे हैं आपका रोल क्या बच्चा बताओ आपके रोल का नाम क्या कैनेट के रोल का नाम मैं इंशन हूँ मेरे को किडनैप कर लिया है और के गुंडे लोग ने हम लोग को इधर रखा है आप बोलो आप क्या बोलो बाहर फिल्म में और जबर भाई के गुंडों ने हमें यहाँ कैद करके रखा है वो लोग हमें दो दिन से खाना नहीं दे रहे हैं कुछ पीने नहीं दे रहे हैं और हम लोग उनको बोल रहे हैं कि हमें छोड़ो इधर से तो वो लोग मान ही नहीं रहे ऐसे है फिल्म में आपका क्या फिल्म के अंदर एक्टिंग हाय मेरा नाम मूवी में पलक है और हम लोग का ऐसा किडनैपिंग के ऊपर है मतलब बच्चों का कैसा किडनैप होता है वैसा और बाकी का मैं नहीं बता सकती नहीं तो फिर फिल्म कौन देखेगा मेरा नाम अश्विनी है और फिल्म में मेरा नाम नेहा है मैं भी फैमिली के साथ ही हूँ जिसका कैरेक्टर नेम है पलक हम दोनों को किडनैप कर लिया है और हमारे साथ बाकी भी सब है हमें हम एंजॉय करते हैं फिल्म में फिल्म की स्टोरी ऐसी है कि कुछ बच्चों को किडनैप किया जाता है और फिर वो गुंडों से लड़के कैसे बचते हैं ये आप फिल्म में देख सकते हैं एक्चुअली स्टोरी ऐसी थ्रिलर है मतलब सस्पेंस है कि इस मूवी में किडनैपिंग होता है वो किडनैपिंग किस तरीके से होता है और बीच में उन बच्चों को किस तरह से परेशान किया जाता है या जो किडनैप कर रही है लेडीज उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो मूवी में पता चलेगा आपको और आगे जाकर वो जो लेडी होती है वो सुधर जाती है क्योंकि उसके साथ जब बुरा होता है तो वो चाहती है वो भी ऐसा ही करेगी सबके साथ बट बाद में रियलाइज़ होता है उसे कि नहीं नहीं ये तो गलत है तो वो सारा कुछ मतलब चेंज हो जाती है अच्छी बन जाती है आपका क्या किरदार है फिल्म के अंदर हाँ मेरा तो किडनैपिंग है बच्चों को किडनैप करने का है देन बेचना है और हेलो हम किडनैप हो जाते हैं और वो किडनैपर्स के सामने हिम्मत दिखाते हैं हम हारते नहीं फिर भी वो हमें ऐसे ही डराते रहते हैं इतना बता सकती हूँ बाकी का आप मूवी में देख लीजिए मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ और मेरा काम है जो किडनैप हुए बच्चों उनको बचाना और आगे का आप मूवी में देखेंगे कि किडनैप हुए बच्चों को मैं कैसे बचाती हूँ नहीं मुझे ये अच्छा लगा कि मैं एक एनजीओ में काम करती हूँ और उन किडनैप बच्चों को मुझे बचाना है तो ये काम मुझे अपना अच्छा लगा पॉजिटिव है नेगेटिव नहीं मेरा तो पॉजिटिव फिगर है किडनैप बच्चों को बचाती हूँ मैं आज का आज मैं जो सीन कर रहा हूँ उसमें बच्चों को किस तरह टॉर्चर करते हैं किडनैपर्स वो पोर्शन शूट कर रहा हूँ फिल्म की कहानी ये है कि बच्चे जो हैं अगर माँ बाप उनकी सही ढंग से परवरिश ना करें उनको इतनी छूट दे दें कि वो जो चाहे अपनी मर्जी से कर सकते हैं और मतलब बच्चों से के प्रति लापरवाही अगर करते हैं माँ बाप तो उन बच्चों के साथ क्या क्या हो सकता है और जब उन बच्चों का किडनैप भी हो जाता है और किडनैप होने के बाद जब हमारे एक एनजीओ को पता चलता है एक उसमें रिपोर्टर भी हैं हमारे तो वो लोग जब इस दलदल में उतरते हैं तब उनको पता चलता है कि ये सिर्फ किडनैप नहीं है इसके पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है बच्चों से भीख मंगवाई जाती है उन बच्चों को दूसरों के सामने परोसा भी जाता है जिसमें फरोशी के लिए और एक बार तो ऐसा होता है कि एक बच्चे को ऐसी जगह भेजा जाता है जहां रेप होने के बाद उस बच्चे का मर्डर हो जाता है वो बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बच्चा मर जाता है ये सारी चीज़ें हमारा हीरो अपने हीरोइन के साथ मिल के प्लान करता है हीरोइन को जो लड़की अभी गई है यहां से खुशी मैडम उसकी गैंग में भेजता है प्रोस्टिट्यूट बना के हीरोइन सारी चीज़ों का पर्दाफाश करती है लास्ट में जब वो अपने चैनल की मालकिन को टेप देते हैं कि अब ये हमने एक ऑपरेशन किया है जिसमें आपको सब
की पोल मंत्रियों से लेके नीचे संतरी तक कौन क्या करता है आपको सब डिटेल पता चल जाएगी। ये टेप दे के चले जाते हैं और ये जो ओनर होती है ये इन सब को फ़ोन करके बुलाती है और सबको ब्लैकमेल करती है। वो टेप पुलिस इंस्पेक्टर जो है हमारा उसके हवाले किया जाता है। दिखाया यहाँ डील हो जाती है, कहीं 20 करोड़ की डील हो रही है, किसी से 25 करोड़ की डील हो रही है, ये सब डील हो जाती है और वो टेप जाके वो इंस्पेक्टर कचरा पेटी में फेंक देता है जहाँ उस बच्चे की लाश मिली थी के ऊपर है। बट उसके बाद का जो पोर्शन है ना इसमें कि दलदल कितना गंदा है यहाँ पे, इस किडनैपिंग के पीछे कितने लोग हैं, कितने लोगों की गैंग है और कहाँ तक इसकी पहुँच है, मतलब मंत्री तक इसके बीच में आ जाते हैं मगर होता कुछ नहीं है। हमारे देश में से कभी करप्शन ख़त्म नहीं हो सकता, हमने ये दिखाया है। सर कितने दिन की आएगी सर? और दिवाली में भी हम देखेंगे कि देखो हमारी फिल्म में सब प्रेशर्स है, हमारी कोशिश ये रहेगी कि कोई बड़ी फिल्म उसके आसपास ना हो तब हम रिलीज़ करेंगे, बट दिवाली के आसपास ही होगी। सर हीरो और हीरोइन के बारे में बताइए। हीरो हमारे प्रोड्यूसर खुद हैं, हीरो अपना सुजीत पंजाबी, हीरोइन है कविता वर्मा, दोनों फ्रेशर्स हैं। ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? ऑडियंस को मैसेज ये देंगे कि ये बेसिकली बच्चों के लिए फिल्म है,